Hi dear student, myself R.K. Thakur from Engineers Classes for Competition. Reasoning video series का आज का video dear student, हम जो topic है वो है Direction Sensing Test. So Direction Sensing Test के topic में questions को लेके आपके 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 लिए questions लेके आया हूँ. और हमारा जो ये question होगा इस video में Direction Sensing Test का, वो basically कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, जिससे कि डायरेक्शन सेंसिंग टेस्ट की सारी क्लैरिटी आपको हो जाए. और मोस्टली क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के लेंगे, और जो जिस टाइप के वैरायटी और वॉल्यूम्स के क्वेश्चंस होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसमें डील करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज डायरेक्शन सेंसिंग टेस्ट. और उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, अगर आप देखोगे तो ये पहला क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे, और इसमें फाइनली आपको डायरेक्शन बताना है. मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी बताया था कि इसमें डायरेक्शन सेंसिंग टेस्ट में आपको या तो ये एक तरह से डायरेक्शन पजल है, तो या तो आपको डायरेक्शन निकालना होता है, या डायरेक्शन के साथ साथ जो फाइनल डायरेक्शन है वो निकालना होता है, या फिर इनिशियल पॉइंट से बेसिकली कितना डिस्टेंस पे है और किस डायरेक्शन में, ये दोनों निकालना होता है. तो सबसे पहले डायरेक्शन से रिलेटेड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं. क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन एंड देन 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फुल स्टॉप. Which direction is he facing now? So dear student, ये जो question है ना, ये कह रहा है कि a man is facing west. अगर आपको इससे पहले वाला video आपने देखा होगा, तो मैंने direction sensing test की का जितना theoretical concept है, जो actually जो आपको एक पहले fundamental understand करना, वो मैं already बना चुका हूँ. तो hope कि आप उसको पहले देख लोगे, और उसके बाद हम हमारे ये जो questions हैं इस पे आ पाओगे. So सबसे पहले इस question को solve करने के लिए आपको ये देखना होगा कि a man is facing west. तो आपको एक direction draw करना है जो कि already आपको पता है. ये हमारा क्या होता है नॉर्थ, ये हमारा साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट. एज पर क्वेश्चन अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, सो वेस्ट की तरफ फेस किया हुआ है, मींस इधर फेस किया हुआ, राइट ये इधर फेस किया हुआ, राइट. ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि 45 डिग्री ये डायरेक्शन होता है, और अगर ये फेस वेस्ट की तरफ किया है और क्लॉकवाइज अगर घूमेगा, तो क्लॉकवाइज यू नो ये होता है, ये 45 डिग्री टर्न लेके अभी ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये वाला जो डायरेक्शन है यहां आ जाएगा 45 डिग्री, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन टर्न लेता है, अगर वो वेस्ट की तरफ फेस किया हुआ, राइट. देन कह रहा है कि ही टर्न्स डायरेक्शन एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन. अब डियर स्टूडेंट, यहां पे ऑलरेडी है और उसको 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही. सो अगर 180 डिग्री जाएगा, तो आपको पता है कि 180 डिग्री का मतलब है स्ट्रेट लाइन, सो ये सीधा यहां पे पहुंच जाएगा, राइट इस डायरेक्शन में पहुंच जाएगा, और ये एंगल इसका 180 डिग्री हो जाएगा, राइट ये एंगल 180 डिग्री हो जाएगा एज पर क्वेश्चन. नाउ फिर कह रहा है कि देन 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब डियर स्टूडेंट, यहां पे पहुंचने के बाद कह रहा है कि 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, सो यू नो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है. 270 को डियर स्टूडेंट हम 180 प्लस 90 बोल सकते हैं. तो सबसे पहले तो ये 180 डिग्री पे यहां आएगा, फिर 90 जाना है, तो 90 का मतलब है 45 एंड देन 45 हियर, सो ये यहां आ जाएगा डियर स्टूडेंट, ये डायरेक्शन होगा, और ये जो टोटल एंगल हुआ ना, यही इसका 270 डिग्री हुआ यहां से लेके, अगर हम इसको, ये एंगल इसका 270 डिग्री हो गया काउंटर क्लॉकवाइज में, CCW काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सो फाइनली वो इस डायरेक्शन में है, लाइक दिस डायरेक्शन इज इट्स फाइनल डायरेक्शन, और आप इसको बोल सकते हो साउथ वेस्ट. सो साउथ वेस्ट इज द फाइनल डायरेक्शन, एंड इसका जो आंसर होगा ये डी होगा, विच इज साउथ वेस्ट. सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा. अच्छा क्वेश्चन है, शुरू में 45 डिग्री वेस्ट की तरफ फेस करके 45 डिग्री क्लॉकवाइज ले रहा है, देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन जा रहा है, जो कि यहां आ गया, फिर 270 एंटी क्लॉकवाइज. तो 270 को आपको हमेशा याद रखना है 180, जो कि स्ट्रेट अपोजिट हो जाता है, एंड देन फर्दर 90. तो 180 इज अगेन विल कम टू दिस पोजिशन, एंड फर्दर 90 जाने के लिए उसे ये 45 और नेक्स्ट 45
यहां पे आएगा एंड द फाइनल डायरेक्शन विल बी साउथ वेस्ट विच इज द करेक्ट आंसर. सो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, राइट. ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ अब हम सेकंड क्वेश्चन पे जा रहे हैं और सेकंड क्वेश्चन भी लगभग मिलता जुलता फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है और इसमें भी फाइनली आपको डायरेक्शन निकालना है. क्वेश्चन कह रहा है आई एम फेसिंग ईस्ट, आई टर्न 100 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 145 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, विच डायरेक्शन एम आई फेसिंग नाउ. सो डियर स्टूडेंट, इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले कह रहा है कि हमें डायरेक्शन ड्रॉ करना होगा. दिस इज आर नॉर्थ, ये हमारा साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, राइट. नाउ कह रहा है कि आई एम फेसिंग ईस्ट, मतलब इस तरफ फेस किया हुआ. अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो ये इस तरफ फेस किया हुआ, ईस्ट की तरफ. और कह रहा है आई टर्न 100 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. 100 डिग्री मतलब 90 प्लस 10. तो अभी अगर ये ईस्ट की तरफ है, पहले उसे 90 टर्न करना होगा और कुछ थोड़ा सा 10, ये ईस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा. डियर स्टूडेंट, ये 100 डिग्री ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर रहा है. दिस इज आर क्लॉकवाइज, राइट. 100 डिग्री टर्न करने के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कह रहा है 145 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है. सो 145 का मतलब है पहले उसे 100 टर्न करना होगा, जो कि ये 100 होगा, एंड देन उसे फर्दर 45 का मतलब है ये. तो फाइनली वो इस डायरेक्शन में आएगा. डियर स्टूडेंट, ये डायरेक्शन होगा और चूंकि एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है तो 145 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज गया, 100 एंड देन 45. सो फाइनली ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है एज पर दिस क्वेश्चन. सो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी बी नॉर्थ ईस्ट, राइट. ओके ओके, सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है. थोड़ा सा जो पहले हमने अभी जो दो क्वेश्चन किया उससे थोड़ा सा हटके है. देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आई एम स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड, आई गो डाउन साउथ टू द एज ऑफ द फील्ड एंड देन टर्निंग लेफ्ट आई वॉक अलोंग द बाउंड्री ऑफ द फील्ड इक्वल टू 3/8 ऑफ इट्स लेंथ, देन आई टर्न वेस्ट एंड गो राइट अक्रॉस टू द ऑपोजिट पॉइंट, राइट अक्रॉस टू द ऑपोजिट पॉइंट ऑन द बाउंड्री, इन विच डिरेक्शन एम आई फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. सो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो कह रहा है कि आई एम स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड. लेट्स से ये हमारा सर्कुलर फील्ड है और इसका सेंटर ये है. तो कह रहा है कि मैं यहां पे खड़ा हूं. आई एम स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड. आई गो डाउन साउथ टू द एज ऑफ द फील्ड. कह रहा है साउथ जाएगा, तो ऑब्वियसली साउथ जाएगा. और कह रहा है एज ऑफ द फील्ड, फील्ड चूंकि ये सर्कल है तो उसके एज मतलब ये यहां पे पहुंच गया, राइट. ये यहां पे पहुंच गया. आई गो डाउन साउथ टू द एज ऑफ द फील्ड एंड देन टर्निंग लेफ्ट. तो डियर स्टूडेंट, लेफ्ट की बात कर रहा है चूंकि वो नीचे की तरफ उसका फेस है, तो लेफ्ट अगर लेगा तो वो किधर जाएगा, इधर जाएगा. डियर स्टूडेंट, इधर जाएगा मतलब जो अभी हम फ्रंट से देखते हैं तो हमारा जो जिधर राइट होगा उधर उसका लेफ्ट होगा, क्योंकि वो डाउनवर्ड फेस किया हुआ. सो अगर उसे लेफ्ट लेना है तो वो इधर जाएगा. टर्निंग लेफ्ट आई वॉक अलोंग द बाउंड्री ऑफ द फील्ड इक्वल टू 3/8 ऑफ इट्स लेंथ. सो डियर स्टूडेंट कह रहा है कि यहां से ये बाउंड्री पे के अलोंग इस पूरे बाउंड्री के 3/8 लेंथ ट्रैवल करता है. तो 3/8 लेंथ का मतलब है अगर मैं एंगल में कन्वर्ट करूं तो 3/8 पूरी लेंथ होती है. डियर स्टूडेंट 360 डिग्री, राइट. पूरी लेंथ होती है 360. तो 3/8 लेंथ का मतलब है कितना एंगल, वो मैं निकाल लेता हूं. तो 3/8 × 360 4/5. अगर इससे आप देखोगे तो ये हो जाएगा 135 डिग्री. 3/8 ऑफ इट्स लेंथ का मतलब है 135 डिग्री वो टर्न करता है. 135 को अगर मैं थोड़ा अंडरस्टैंड करूं तो 90 + 45 हो जाएगा, राइट. सो यहां से वो बेसिकली लेफ्ट टर्न लेता है और अलोंग द बाउंड्री वो 3/8 ऑफ इट्स लेंथ ट्रैवल कर रहा है. मतलब एंगुलर फॉर्म में वो 135 डिग्री फॉर्म ट्रैवल कर रहा है. मतलब पहले वो 90 डिग्री अगर ट्रैवल करेगा
तो पहले यहां आएगा एंड देन फर्दर 45 डिग्री का मतलब है वो यहां पे आ जाएगा डियर स्टूडेंट, वो ऐसे ट्रेवल करता हुआ यहां से, ये जो टोटल लेंथ, ये जो लेंथ उसने ट्रेवल किया ना, ये 3/8 ऑफ इट्स होल सर्कुलर फील्ड है, क्योंकि ये एंगल क्या हो गया 135 डिग्री। यहां पे ये चीज आपको थोड़ा सा समझना है, क्योंकि जनरली 3/8 में डाउट होता है, तो हमने उसको एंगल में कन्वर्ट कर दिया। टोटल एंगल होता है 360, तो 3/8 का मतलब है 135 डिग्री, मींस वो यहां पे पहुंच जाएगा, राइट। यहां पे पहुंचने के बाद अगर मैं इस लेंथ, इस आर्क की बात करूं, ये क्या है हमारा 3/8 ऑफ सर्कल है, सर्कुलर ऑफ सर्कल, राइट। कह रहा है 3/8 ऑफ इस लेंथ एंड देन आई टर्न वेस्ट एंड गो राइट, कह रहा है कि एंड देन आई टर्न वेस्ट एंड गो राइट अक्रॉस टू द ऑपोजिट पॉइंट टू द बाउंड्री, कह रहा है कि मैं यहां पे हूं और अब मैं वेस्ट की तरफ फेस करता हूं, वेस्ट की तरफ मतलब, वेस्ट मतलब इधर, ये वेस्ट है, इधर फेस करके कह रहा है राइट ऑपोजिट टू द बाउंड्री, तो राइट ऑपोजिट टू द बाउंड्री का मतलब है वो सीधा यहां पे पहुंच जाएगा डियर स्टूडेंट, यहां पे पहुंच जाएगा ना, वेस्ट की तरफ फेस करेगा और सीधा वो राइट टू ऑपोजिट ऑफ द बाउंड्री, अगर वो यहां पे है तो ठीक 180 डिग्री पे यहां पे ऑपोजिट पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा राइट, आई टर्न वेस्ट एंड गो राइट अक्रॉस टू द ऑपोजिट पॉइंट ऑन द बाउंड्री, इन विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, यहां से वो किस डायरेक्शन में है, ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो ये वेस्ट होता है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, सो फाइनली इनिशियल पॉइंट के कंपेयर में, कंपैरिजन में ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, ये किस डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, सी, सो साउथ वेस्ट विल बी द फाइनल आंसर। सो ये जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि 3/8 को कैसे हम रिप्रेजेंट करें, तो हमने एंगुलर फॉर्म, क्योंकि एंगल में हमारा ज्यादा अंदाजा रहता है, बट 3/8 में थोड़ा सा डाउट रहता है, तो 3/8 का मतलब है 135 डिग्री, राइट। सो इससे हमें यहां का लोकेशन मिला और यहां से बेसिकली वो वेस्ट की तरफ फेस करके सीधा ऑपोजिट, डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे आ रहा है, मतलब यहां पे आएगा, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, एंड दिस इज द योर फाइनल आंसर, राइट। सो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, राइट, ओके। सो डियर स्टूडेंट, नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसमें डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस भी पूछ रहा है, ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है। क्वेश्चन कह रहा है कि कुणाल वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ फुल स्टॉप, फ्रॉम देयर ही वॉक्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ फुल स्टॉप, देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फुल स्टॉप, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन Is he with reference to his starting point? So, ये जो question कह रहा है, dear student, ये question को जो कह रहा है, उस basis पे हम basically direction को trace कर रहे हैं। कह रहा है, Kunal walks 10 kilometer towards north. आपको पता है कि हमारा जो ये होता है, ये है north, south, east और west. तो सबसे पहले कह रहा है, Kunal walks 10 kilometer towards north. तो हमने starting point उसका ये O रखा, और यहां से 10 किलोमीटर वो क्या गया, ये 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ गया डियर स्टूडेंट, यहां पे आ गया। उसके बाद कह रहा है कि ही वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, तो अगर 6 किलोमीटर साउथ का मतलब है नॉर्थ के ठीक ऑपोजिट में, यहां से वो 6 किलोमीटर यहां पे आ गया, ये 6 किलोमीटर आ गया साउथ, मतलब ये अभी यहां पे आ गया, राइट। सो ऑब्वियसली ये बचेगा कितना, ये जो डिस्टेंस रह जाएगा वो 10 - 6 Which is 4 किलोमीटर रह जाएगा, राइट। अब यहां से कह रहा है कि 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, अब यहां से वो ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर जाता है, मतलब ये इधर आएगा 3 किलोमीटर, राइट, 3 किलोमीटर ईस्ट आएगा, मतलब अभी फाइनली वो यहां पे है। तो कह रहा है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विद रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो यहां से अभी जो फाइनल पॉइंट है उसको सीधा एरो से ज्वाइन कर देंगे और ये हमारा डायरेक्शन हो जाएगा वो स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस में। क्लियर है डियर स्टूडेंट कि ये जो डायरेक्शन होता है ये हमेशा क्या होता है, ये होता है नॉर्थ ईस्ट, ये होता है हमारा नॉर्थ ईस्ट, अगर हम इस कंपैरिजन में देखें
तो ये हमारा क्या है, नॉर्थ ईस्ट है। तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और इनिशियल पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, तो ये जो ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें जो हाइपोटेन्यूस है ये आपको निकालना है। ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, वो क्या होगा, दिस का होल स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर का रूट। सो 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ऑब्वियसली इट विल बी 16 प्लस 9 विच इज रूट अंडर 25 मीन्स 5। सो नाउ इट इज क्लियर दैट कि वो बंदा इनिशियल पॉइंट से 5 किलोमीटर की दूरी पे एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। सो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट विल बी 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। सो स्टार्टिंग पॉइंट से 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। सो ये क्वेश्चन आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो अगेन इसमें हमें डायरेक्शन फाइंड करना है, और इसमें बहुत सारे लेफ्ट और राइट टर्न्स ले रहा है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ रैट टर्न्स 20 फुट बेसिकली डिस्टेंट, ये इसको फुट बोलते हैं, अगर जैसे 20 ऐसे लिख देंगे तो 20 फुट कहलाता है, और अगर 20 ऐसे डबल बार लिखते तो इसको इंच बोलते हैं, 20 inches, राइट? सो यहां पे कह रहा है अ रैट टर्न्स 20 फुट टुवर्ड्स ईस्ट एंड टर्न्स टू द राइट रन्स 10 फुट एंड टर्न्स टू द राइट रन्स 10 फुट एंड अगेन टर्न्स टू द लेफ्ट runs 5 foot and then turns to the left runs 12 foot and finally turns to the left and runs 6 foot. Now in which direction is the rat facing? So dear student, हम question में जो direction puzzle दिया हुआ उसको trace करते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं a rat turns 20 foot towards east. So आपको पता है कि ये हमारा क्या होता है, north, south, east और ये वेस्ट है। तो सबसे पहले वो 20 फुट ईस्ट जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये 20 फुट हमने ये ले लिया, 20 फुट हमारा ईस्ट गया वो, राइट, टुवर्ड्स ईस्ट एंड टर्न्स टू द राइट रन्स 10 फुट। अगर राइट उसे लेना है ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट, ये 90 डिग्री पे राइट होता है, पहले भी बता दिया था, अगर वो इधर गया है ईस्ट राइट टर्न लेगा तो 90 डिग्री पे इधर आएगा, और लेट से ये कह रहा है कि 10 फुट राइट लेके रन कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये यहां पे आ जाएगा 10 डिग्री एंड रन्स 10 फुट एंड टर्न्स टू द राइट रन्स 9 फुट। तो अब यहां से अगर उसे राइट लेना है तो वो डेफिनेटली किधर लेगा, इधर लेगा, सो 9 फुट जा रहा है डियर स्टूडेंट, तो ये इधर जाएगा 9 फुट चला गया, राइट लेगा क्योंकि डाउनवर्ड फेस है, तो जिधर हमारा लेफ्ट होगा उधर राइट होगा, तो अगर ये डाउनवर्ड फेस किया हुआ है और अगर उसे राइट लेना है तो ये इधर जाएगा और 9 फुट जा रहा है, रन्स 9 फुट एंड अगेन टर्न्स टू द लेफ्ट। डियर स्टूडेंट, अगर अब उसे लेफ्ट लेना है तो वो किधर जाएगा, लेफ्ट लेके इधर आएगा वो 90 डिग्री पे, फिर लेफ्ट लेके एंड टर्न्स टू द लेफ्ट रन्स 5 फुट वो जा रहा है राइट, और 5 फुट एंड देन टर्न्स टू द लेफ्ट, फिर से वो लेफ्ट टर्न ले रहा है, तो लेफ्ट टर्न लेगा तो डियर स्टूडेंट किधर जाएगा, वो लेफ्ट टर्न लेगा तो वो इधर जाएगा, और ये 12 इधर जाएगा और 12 जा रहा है, तो ये 9 है, 9 से थोड़ा सा आगे ये यहां तक गया, ये 12 फुट राइट, बेसिकली 12 फुट कहां जा रहा है, लेफ्ट टर्न लेके राइट, क्योंकि डाउनवर्ड फेस है तो इधर जिधर राइट होता है उधर लेफ्ट हो जाता है, तो इधर की तरफ हो जाएगा, 12 फुट गया राइट, 12 फुट गया एंड फाइनली टर्न्स टू द लेफ्ट। अब अगर वो यहां पे है उसे लेफ्ट टर्न लेना है तो ऑब्वियसली ये इधर जाएगा ऊपर जाएगा, और कह रहा है कि 6 फुट जा रहा है, तो 6 फुट का मतलब है ये 5 है, 5 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा फाइनली 6 फुट टर्न लेके, और कह रहा है कि फाइनली टर्न्स टू द लेफ्ट एंड रन 6 फुट। नाउ इन विच डायरेक्शन इज द रैट फेसिंग, सो किस डायरेक्शन में रैट फेस कर रहा है डियर स्टूडेंट, अगर आप देखोगे तो क्लियर है कि नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, सो आर आंसर विल बी सी, नॉर्थ डायरेक्शन, राइट? सो ये क्वेश्चन अच्छा था, बहुत सारे टर्न्स हैं, अगर आप देखोगे 20 फुट गया फिर देन, सो फाइनली वो बेसिकली किस डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। सो ये क्वेश्चन भी आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, राइट? ओके, सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये भी अच्छा क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन को करने के बाद जो लगभग इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट का डायरेक्शन पूछता है, रेफरेंस पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों पूछता है, इस टाइप के क्वेश्चन की क्लैरिटी आपको मिल जाएगी आई होप। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि आई एम फेसिंग साउथ फुल स्टॉप, आई टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर फुल स्टॉप, देन आई टर्न राइट अगेन एंड वॉक 10 मीटर फुल स्टॉप, देन आई टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर एंड देन टर्निंग राइट वॉक 20 मीटर फुल स्टॉप, देन आई टर्न राइट अगेन एंड वॉक 60 मीटर, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार एम आई फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। सो आया हुआ क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, देखो इस क्वेश्चन ये एक तरह से डायरेक्शन पजल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कह रहा है आई एम फेसिंग साउथ, सो डियर स्टूडेंट आपको पता है कि ये हमारा जो डायरेक्शन है ये दिस इज नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, तो सबसे पहले साउथ की तरफ फेस किया हुआ मतलब डाउनवर्ड फेस किया हुआ राइट, क्योंकि साउथ डाउनवर्ड होता है। सो डाउनवर्ड अगर फेस किया हुआ है तो हम ऐसा ले लेते हैं कि यहां पे है वो ऐसे, ये यहां पे फेस किया हुआ है और कह रहा है कि आई एम फेसिंग साउथ आई टर्न राइट, तो अगर राइट हमारा इधर हुआ लेकिन चूंकि डाउनवर्ड है तो हमें इधर जाना होगा, सो आई टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर, सो ये 20 मीटर डियर स्टूडेंट 20 मीटर वो गया और ये यहां पे पहुंच गया। आई टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर साउथ की तरफ फेस किया हुआ मीन्स डाउनवर्ड फेस किया हुआ है, राइट में ये लेफ्ट की तरफ जाएगा, अगर मैं इधर से देखूं तो ये मेरा लेफ्ट है लेकिन वो राइट डाउनवर्ड फेस करते हैं तो लेफ्ट की तरफ ही राइट होता है। सो आई टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर, देन आई टर्न राइट अगेन एंड वॉक 10 मीटर, अब अगर वो इधर की तरफ फेस किया हुआ है राइट लेगा तो ऑब्वियसली 10 मीटर वो यहां पे जाएगा, यहां पे वो 10 मीटर गया राइट, वॉक देन आई टर्न राइट अगेन एंड वॉक 10 मीटर, देन आई टर्न लेफ्ट, अब यहां से डायरेक्शन लेफ्ट लेगा तो ऑब्वियसली वो इधर जाएगा, देन आई टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर, तो फिर से वो 10 मीटर गया ओके यहां पे पहुंच गया वो राइट, देन आई टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर एंड देन टर्निंग राइट वॉक 20 मीटर, अब यहां से अगर उसे राइट टर्न लेना है तो ऑब्वियसली वो इधर जाएगा और 20 मीटर कह रहा है गया राइट 20 मीटर यहां पे चला गया अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया राइट वॉक 20 मीटर, देन आई टर्न राइट अगेन एंड वॉक 60 मीटर, अब यहां से अगर राइट जाना है डियर स्टूडेंट तो ऑब्वियसली वो इधर जाएगा और कह रहा है 60 मीटर गया, तो ये 10 है अगर इसको समझो तो ये 20 30, इसका ठीक डबल यहां पे पहुंच जाएगा डियर स्टूडेंट और ये 60 मीटर राइट टर्न लेके अब वो यहां पे पहुंच गया है, स्टार्ट कहां से किया है वो यहां से स्टार्ट किया हुआ है राइट, कह रहा है इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार एम आई फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है यहां से सीधा फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करके ये वाला एरो, हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस में फाइनल पॉइंट पूछ रहा है तो स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और एरो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ डालेंगे, ये हमारा डायरेक्शन होगा, क्लियर है कि ये वाला डायरेक्शन आ रहा है, ये वाला डायरेक्शन आ रहा है विच इज ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट, सो ये हमारा जो अभी जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, और अगर डिस्टेंस भी पूछ रहा है तो ये डिस्टेंस हमें निकालना है डियर स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम से हम आसानी से निकाल सकते, कैसे इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, क्लियर है कि ये कितना है ये 20 है और ये 10 है तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा 30 मीटर, ये 10 और ये 20 30 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये कितना बचेगा, ये अगेन 60 माइनस 30 विच इज 30 मीटर ये होगा, और ये टोटल कितना है, ये 10 और 20 ये भी 30 मीटर है हमारा, ये टोटल यहां से लेके यहां तक, तो हाइपोटेन्यूस इस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस ही तो निकालना है, रूट अंडर 30 का होल स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर 2 इंटू 30 का होल स्क्वायर, सो इट विल बी 30√2, सो क्लियर है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है और कितने डिस्टेंस पे है 30√2 मीटर है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा डियर स्टूडेंट डी, और अगर डिस्टेंस इसमें मैंने ऐड किया था एंड हाउ फार, तो हाउ फार में क्या हो जाएगा 30√2 मीटर ये हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट से। सो अच्छा क्वेश्चन था, आई होप इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको इस टाइप के जो डायरेक्शन पजल है उसकी काफी क्लैरिटी हुई होगी राइट।
ओके ओके सो डियर स्टूडेंट, ये अब हमारा एक और क्वेश्चन है जिसमें लैंग्वेज बहुत स्टैंडर्ड यूज किया हुआ, लैंग्वेज को आपको समझना है अगर आप इंग्लिश को फॉलो कर रहे हो तो इसमें लैंग्वेज को बेसिकली आपको टैप करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है अ चाइल्ड इज लुकिंग फॉर हिज फादर, ही वेंट 90 meters इन द ईस्ट बिफोर टर्निंग टू द राइट, फुल स्टॉप, ही वेंट 20 meters बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन टू लुक फॉर हिज अंकल, टू लुक फॉर हिज फादर एट हिज अंकल्स प्लेस 30 meters फ्रॉम दिस पॉइंट, फुल स्टॉप, हिज फादर वॉज नॉट देयर, फुल स्टॉप, फ्रॉम हियर ही वेंट 100 meters टू द नॉर्थ बिफोर मीटिंग हिज फादर इन अ स्ट्रीट, फुल स्टॉप, हाउ फार डिड द सन मीट हिज फादर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ऑप्शन ए इज 80 meters, ऑप्शन बी इज 100 meters, ऑप्शन सी इज 140 meters एंड ऑप्शन नंबर डी इज 260 meters। सो लेट्स सी इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले आपको ट्रेस करना होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ चाइल्ड इज लुकिंग फॉर हिज फादर, ही वेंट 90 meters इन द ईस्ट, डियर स्टूडेंट ये डायरेक्शन है हमारा ईस्ट, तो यहां से लेट्स से वो स्टार्ट कर रहा है और यहां से वो 90 meters ईस्ट गया, लेट्स से ये 90 meters उसका ईस्ट इधर गया, राइट, ही वेंट 90 meters इन द ईस्ट बिफोर टर्निंग टू द राइट, ऑब्वियसली वो राइट टर्न कर रहा है लेकिन राइट टर्न करने से पहले वो ईस्ट में 90 meters गया, तो 90 meters गया उसके बाद उसको राइट टर्न लेना है, तो ऑब्वियसली राइट टर्न किधर लेगा डियर स्टूडेंट, इधर लेगा, राइट, राइट टर्न बिफोर टर्निंग टू द राइट ही वेंट 20 meters, ऑब्वियसली राइट टर्न लेके वो 20 meters गया, राइट, बिफोर टर्निंग टू हिज राइट, टर्निंग टू द राइट ही वेंट 20 meters बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन टू लुक फॉर हिज फादर, मतलब वो 20 meters राइट टर्न लेके गया और फिर राइट टर्न ले रहा है और एट हिज अंकल्स प्लेस 30 meters फ्रॉम दिस पॉइंट, तो 20 meters टर्न राइट टर्न लेने के बाद यहां पे है, उसके बाद फिर से वो राइट टर्न ले रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऑब्वियसली राइट टर्न का मतलब है कि क्योंकि डाउनवर्ड फेस किया हुआ है तो राइट इधर जाएगा और ये 20 meters फिर से गया कहां पे, अपने अंकल के प्लेस के पास, यहां पे उसका अंकल है, अंकल्स प्लेस 30 meters फ्रॉम दिस पॉइंट, यहां से बेसिकली क्या है 30 meters पे उसके अंकल रहते हैं, यहां पे देखने के लिए वो गया 30 meters फ्रॉम दिस पॉइंट, हिज फादर वॉज नॉट देयर, यहां पे भी उसके फादर नहीं है, कह रहा है फ्रॉम हियर ही वेंट 100 meters टू द नॉर्थ बिफोर मीटिंग हिज फादर इन अ स्ट्रीट, इट मीन्स यहां से वो 100 meters नॉर्थ गया, तो यहां पे मान लो गया नॉर्थ डायरेक्शन, ऑब्वियसली ये वाला डायरेक्शन होगा ऊपर की तरफ, 100 meters गया डियर स्टूडेंट, 100 meters यहां से, और कह रहा है यहां पे स्ट्रीट पे उसको फादर से मीट हो गया, वो फादर से वो मिल गया, तो यहां पे मिलने के बाद कह रहा है हाउ फार डिड द सन मीट हिज फादर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये है और मीट हो रहा है यहां पे, तो कह रहा है कितनी दूरी पे मीट हो रहा है, ऑब्वियसली ये डिस्टेंस निकालना है आपको, ठीक है, किस डायरेक्शन में मिल रहा है, अगर डायरेक्शन पूछता तो ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट होता, बट यहां पे डायरेक्शन नहीं डिस्टेंस पूछ रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाले ट्रायंगल में सबसे पहले ये डिस्टेंस आपको निकालना होगा, तो ज्योमेट्री से क्लियर है कि ये टोटल 90 है उसमें से ये 30 आ गया, तो ये ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट 60 meters होगा, राइट, और टोटल ये 100 है इसमें से ये 20 माइनस होगा तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 80, राइट, सो ऑब्वियस है कि पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा रूट अंडर 60 का होल स्क्वायर प्लस 80 का होल स्क्वायर, ऑब्वियसली ये हो जाएगा कितना 3600 प्लस 6400 ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 10,000, राइट, और इसका जो रूट होगा वो 100 meters, सो आंसर विल बी ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी विच इज 100 meters। सो अच्छा क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ लैंग्वेज को आपको पकड़ना है क्योंकि ये स्ट्रेट में नहीं बोल रहा है कि राइट टर्न लिया, वो बोल रहा है ही वेंट 90 meters इन द ईस्ट बिफोर टर्निंग टू द राइट, तो यहां से क्लियर इंडिकेशन है कि वो राइट टर्न ले रहा है बट उससे पहले वो 90 meters ईस्ट गया, फिर कह रहा है ही वेंट 20 meters बिफोर टर्निंग टू हिज राइट, कह रहा है कि वो 20 meters गया फिर राइट टर्न लेने से, मतलब उस 20 meters जाने के बाद फिर से राइट ले रहा है, राइट टू लुक फॉर हिज फादर्स at his uncle's place 30 meters from this point and then his father was not there from here he went 100 meters to the north before meeting his father in a street, so clear hai ki yahan pe jo do right turn ki baat kar raha hai na wo straight mein nahi keh raha right turn le raha hai, yahan pe thoda sa english mein language ko turn kar raha hai
कि बिफोर टर्निंग टू द राइट, ये वाला आपको समझना होगा कि ये हमारा डायग्राम है और यहां से क्लियर है कि वो 100 मीटर इनिशियल पॉइंट से मीट कर रहा है अपने फादर से, राइट? ओके, सो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो डायरेक्शन सेंसिंग टेस्ट में आज के वीडियो का ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है और आई होप इस क्वेश्चन करने के बाद जो हमारा पूरा डायरेक्शन सेंसिंग टेस्ट का जो वीडियो नंबर 1 है, जो पार्ट ए है, जिसमें हमने कंप्लीट थ्योरी को अंडरस्टैंड किया है, और इस वीडियो में जहां पे हमने अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस किए जो कि ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड है, प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं और कॉन्सेप्ट्स के साथ ये सारे क्वेश्चंस हैं, सो ये क्लियर हो जाएगा, राइट? सो लेट्स सी, जो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है अ रिवर फ्लोज वेस्ट टू ईस्ट एंड ऑन द वे टर्न्स लेफ्ट एंड गोज इन अ सेमी सर्कल राउंड अ हिलॉक एंड देन टर्न्स लेफ्ट एट राइट एंगल्स, इन विच डायरेक्शन इज द रिवर फाइनली फ्लोइंग? सो लेट्स से लेट्स सी इसमें कैसे हम इसका डायग्राम बनाते हैं. कह रहा है रिवर फ्लोज वेस्ट टू ईस्ट. डियर स्टूडेंट, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, सो ऑब्वियसली रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, राइट? वेस्ट से ईस्ट जा रही है. रिवर फ्लोज वेस्ट टू ईस्ट एंड ऑन द वे टर्न्स लेफ्ट. अब अगर उसे लेफ्ट लेना है तो इधर टर्न करेगी, ये लेफ्ट टर्न लिया, टर्न्स लेफ्ट एंड गोज इन अ सेमी सर्कल राउंड अ हिलॉक. मान लो कोई ये हिलॉक है तो इस यहां से वो सेमी सर्कल राउंड ऐसे आ जाती है. ये रिवर, ये हिलॉक होने की वजह से ये कह रहा है कि सेमी सर्कल गोज इन अ सेमी सर्कल राउंड अ हिलॉक. ये अगर हिलॉक है डियर स्टूडेंट, हिलॉक का मतलब है छोटी पहाड़ी, राइट? स्मॉल हिल. सो उसके उस एंड गोज इन अ सेमी सर्कल, ऑब्वियसली उसे सेमी सर्कल जाना है हिलॉक के राउंड, तो ऐसे ही जाना होगा. एंड देन टर्न्स लेफ्ट एट राइट एंगल्स, यहां आने के बाद उसे लेफ्ट टर्न लेना है और वो भी राइट एंगल पे, तो ऑब्वियसली चूंकि डाउनवर्ड फेस है यहां पे, तो राइट टर्न, लेफ्ट टर्न का मतलब है इधर राइट की तरफ, इधर आ जाएगा. सो इधर जाने के 90 डिग्री पे टर्न ले रहा है और ये सीधा आगे की तरफ मूव कर जाएगी. कह रहा है हिलॉक एंड देन टर्न्स लेफ्ट एट राइट एंगल्स, इन विच डायरेक्शन इज द रिवर फ्लोइंग नाउ? सो ये हमारा रिवर का फ्लोइंग फाइनल डायरेक्शन है, जो कि ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो ईस्ट की तरफ फ्लो हो रही है. सो फाइनली जब वो 90 डिग्री डायरेक्शन में लेफ्ट टर्न लेके मूव करेगी तो ईस्ट डायरेक्शन में होगी, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर. सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. आई होप कि ये जो एक्सप्लेनेशन है ये आपको क्लियर हो गया होगा. और इस क्वेश्चन के बाद डियर स्टूडेंट, ये हमारा डायरेक्शन सेंसिंग टेस्ट टॉपिक का ये जो कंप्लीट वीडियो है, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ और आई होप आप इसके पार्ट ए और ये वाला वीडियो पार्ट बी मिला के आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा डायरेक्शन सेंसिंग टेस्ट का. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम जहां पे रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं उसमें डायरेक्शन सेंसिंग टेस्ट आपसे पूछा ही जाएगा, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं, राइट? सो अगर आप इस हमारे चैनल पे न्यू हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिले, और डेफिनेटली शेयर करो. सो विल बी कमिंग बैक अगेन विद सम इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रीजनिंग. And till then, thank you. Thanks a lot.